नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया 81 लाइव। फर्जी मेडिकल स्टोर किया गया सीज। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब किसी की शिकायत के आधार पर शाहजहांपुर बरेली एवं पीलीभीत की संयुक्त टीम ने मिलकर अवैध रूप से चल रहे मेडिकल स्टोर पर मारा छापा, जहां पर हजारों रुपए की दवाई की गई जब्त। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के थाना सिंधौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिलांदपुर गद्दी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा छापा, मचा हड़कंप, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम के औसत निरीक्षक डॉक्टर देशबंधु और पीलीभीत की औसत निरीक्षक श्रीमती बबीता ने थाना सिधौली के SI संजय पाल सिंह के साथ मिलकर छापा मार कार्रवाई करते हुए लगभग 40,000 रुपए कीमत की अवैध दवाई पकड़ी, जबकि उक्त दवाई लाखों रुपए कीमत की बताई जा रही है। वहीं सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उक्त मेडिकल स्टोर पर सेल्फ सेक्स वर्धक नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है, लेकिन कुछ लिप्त कर्मचारियों के द्वारा पहले ही सूचना देने से मौके से गायब करा दी गई नशीली दवाइयां, जिसकी ना तो बरामदी हुई और ना ही उसको शामिल किया गया, जहां उक्त प्रकरण में साफ तौर पर अवैध दवाई विक्रेता को बचाने में जुटे DIO देशबंधु। थाना सिंधौली में जहाँ पे एक मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के संचालित किया जा रहा है, तो हम लोग उसी शिकायत के क्रम में आज हम बिलंदपुर गद्दीपुर पहुँचे, जहाँ पे चौराहे पर एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ था, जहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम देवेंद्र कुमार था बैठा हुआ था। उससे हमने मेडिकल स्टोर के लाइसेंस और क्रय विक्रय से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु कहा है, जिसमें उसने बताया कि मेरे पास ना तो कोई वैध लाइसेंस है और ना ही मेरे पास कोई दवाइयों से संबंधित कोई अभिलेख है, तो पूरी को संदिग्ध मानते हुए आज हमने ये कार्रवाई की। सर, इस तरीके के कई मेडिकल बिलंदापुर गद्दी के आसपास चल रहे हैं, सर उन पे क्या कार्रवाई, अगली कार्रवाई क्या करेंगे? अभी तक जो सूचना थी हमें पहला अभी मिला है, ये कार्रवाई जो कंटिन्यू लगातार चलती रहेगी जब तक कि ऐसी कोई। सर, लगभग कितने पैसे की दवाई पकड़ी गई है? ये लगभग 40,000 रुपये की दवाइयाँ सीज की गई है। टीम बरेली बरेली से आई थी, दोनों वहाँ के ब्लड कमिश्नर और ब्लड इंस्पेक्टर शाहजहांपुर सारी टीम मिलकर के जो भी जगह पे कंप्लेन आ रही है उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत ये बिलंदापुर में कार्रवाई की गई और इनके द्वारा सीजर किया गया।